देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 20 साल पुरानी बारूदी सुरंग मिली, भारत पाक सीमा पर कारगिल युद्ध में बिछाई। घर में आग लगने से घर में सो रहे दो बच्चे जिंदा जले, अग्निशमन दस्ते और ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया काबू। कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, कांस्टेबल ने गश्त के दौरान रिश्तेदारों से मिलने की कही थी बात। बंदी को खुलेआम मोबाइल पर बात करते पकड़ा, बैरक नंबर 2 में बंदी सुशील के पास मिला मोबाइल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात आग लगने की घटना में 3 घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। वहीं एक घर में सो रहे दो बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। परसा के थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि बलीगांव बांध में रंभू साह अपने दो बच्चों को घर में सोता हुआ छोड़कर पड़ोस में आयोजित एक तिलक समारोह में भाग लेने गए हुए थे। इसी बीच घर में किसी तरह आग लग गई। इस घटना में सो रहे दोनों बच्चों की मौत हो गई है। घर में लगी आग ने आसपास के दो घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों में रंभू साह के पुत्र कुंदन और पुत्री सुहानी शामिल है। फिलहाल आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी होगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। संसदीय नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस को वोट करने वालों को धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि हम संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी लड़ाई देश के हर नागरिक के लिए है, भले ही उसका रंग जाति धर्म कुछ भी हो। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में लोकसभा में पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को लगातार तीसरे दिन कटौती का सिलसिला जारी रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने फिर दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 11 पैसे, कोलकाता में 5 पैसे, मुंबई में 6 पैसे जबकि चेन्नई में 7 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीजल शनिवार को दिल्ली में 15 पैसे, कोलकाता में 6 पैसे, मुंबई में 11 पैसे जबकि चेन्नई में 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। कोटपुतली के सरुड़ थाने में तैनात एक कांस्टेबल संजय कुमार ने बीती रात एक सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि संजय कुमार ड्राइवर के पद पर तैनात था जो बीती रात को हाईवे पर अपने साथियों के साथ गश्त पर था। रास्ते में वह परिजनों से मिलने की कहकर गया था। संजय कुमार की 6 साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी बीकानेर में कांस्टेबल पद पर तैनात है। मनमुटाव के चलते दोनों में संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके डाइवोर्स की बातें चल रही थी।
आज केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए जा पहुंची है। इस दौरान उनके पति जुबैन ईरानी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। स्मृति ईरानी सुबह दिल्ली से फ्लाइट के जरिए उदयपुर पहुंची, जिसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए नाथ द्वारा आई। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे यहां भगवान श्री नाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन करने आई है। एक बार फिर झुंझुनू जेल में 3 मोबाइल, 4 बैटरी और सिम आदि बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह अचानक जब जेल में सर्च के लिए निकले तो बैरक नंबर 2 में बंदी सुशील कुमार खुले आम ही मोबाइल पर बात करते हुए पाया गया, जिसे मोबाइल छीना लिया गया और फिर बैरक नंबर 2 सहित अन्य बैरकों की जांच की गई तो 3 मोबाइल, 4 बैटरी और सिम बरामद हुई है। ये सभी बैरक नंबर 2 के शौचालय में ही मिली है। इस मामले में प्रमोद सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों भी जेल में हुए सर्च दीवार और पानी के कुंड के पास गड्ढा खोदकर छिपाए मोबाइल, बैटरी और सिम कार्ड जेल प्रशासन ने बरामद किए थे। राजनाथ सिंह ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और तत्काल शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली है। रक्षा राज्य मंत्री श्री प्रद यशो नायक, रक्षा सचिव संजय मित्रा और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया है। पदभार संभालते ही सिंह ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और नवनियुक्त नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा सचिव सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने भी शनिवार को गृह मंत्री का पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। डूंगरपुर जिले में वन विभाग ने जिले को हरा भरा करने के लिए वर्षा ऋतु में पौधारोपण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। अभियान के तहत इस साल वन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा जिले भर में करीब 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के सहायक उपवन संरक्षक फुरकान अली खत्री ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में अकेला वन विभाग 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण करेगा। इसके तहत 3,10,000 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पंचायतों सहित अन्य विभागों और आमजन के लिए वन विभाग अपनी 14 नर्सरियों से 11,21,000 पौधों का वितरण करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया इस बार लोगों की जरूरत और आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नर्सरियों में पौधे तैयार कराए जाएंगे। जुए, सट्टे और अपराधियों पर लगाम कसने की कवायद बीकानेर पुलिस ने शुरू कर दी है। इसके तहत कोर्ट गेट पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली है, जिनमें से एक नामी सटोरिया भी शामिल है। वहीं 3 में से 2 हिस्ट्री शीटर फरार चल रहे हैं। कोटगेट थाना अधिकारी धर्मपुनिया ने बताया कि क्षेत्र में काफी लंबे समय से क्षेत्र में जुआ सट्टे का कार्य चल रहा है और आपराधिक गतिविधियां भी हो रही है, जिसमें गंगा शहर रोड SBBJ के पीछे नायकों का मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय संजय उर्फ संजू नायक, कमला कॉलोनी में बड़ी करबला के पास रहने वाला 48 वर्षीय मोहम्मद जावेद कादरी और रानी बाजार में कोड़ा कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय दीपक उर्फ रिम्मी कोड़ा की हिस्ट्री शीट खोली गई है। तीनों ने लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। संजय के खिलाफ लूट मारपीट के 10 मुकदमे, दीपक के खिलाफ जुआ सट्टा और मारपीट के 14 मुकदमे, जावेद के खिलाफ जानलेवा हमला, फायरिंग, जुए के 11 मुकदमे दर्ज है।
कोटगिर थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन के साथ लूट के केस में संजौर सदर में मारपीट के केस में दीपक फरार चल रहा है, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। दीपक बड़ा नामी सटोरिया है, जो पिछले दिनों आईपीएल के दौरान जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पकड़े गए सटोरियों में शामिल था। इसके अलावा बीकानेर के अन्य बड़े सटोरियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। और जो जुआ सट्टा और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनकी सर्विलेंस में लिया हुआ है। डूंगरपुर जिले में जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आधी रात को शराब पीकर हल्ला करने और छात्राओं के हॉस्टल का गेट तोड़ने का प्रयास करने पर 5 छात्रों को हॉस्टल से 2 वर्ष तक के लिए निष्कासित कर दिया गया है। घटना 26 मई की रात करीब 1 से 3 बजे की बताई जा रही है। कॉलेज प्राचार्य ने तुरंत प्रभाव से पत्र जारी कर छात्रों को द्वितीय वर्ष तक हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। थाना स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्रों और छात्राओं के रहने के लिए कॉमन हॉस्टल है। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर हॉस्टल के दूसरे और तीसरे माले गेट लगा रखा है। प्राचार्य ने इस मामले की जानकारी राज्य में इसके अतिरिक्त निदेशक और जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए दी है। वहीं हॉस्टल चीफ, वार्डन सहायक, वार्डन हॉस्टल और छात्रों के अभिभावकों को प्रतिलिपि भी भेजी गई है। मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत करीब 12 से 13 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात ₹3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। इस योजना पर ₹10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अदर मेंबर्स ऑफ सोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन डिस्टिंग्विश डिग्निटरीज। राजस्थान के श्री गंगानगर के भारत पाक सीमा पर 20 साल पुरानी बारूदी सुरंग मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर सुरंग को ढक कर सुरक्षित कर दिया है और सेना जल्द ही इस बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करेगी। जानकारी के मुताबिक जिले के नई मंडी घटसाना थाना क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर मौजूद 19 जीडी रोही में एंटी पर्सन माइंस मिली है। बताया जा रहा है कि ये बारूदी सुरंग 20 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान बिछाई गई थी। घटसाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर माइंस को रेत के बोरे लगाकर सुरक्षित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चक निवासी राम कुमार कुम्हार के खेत में रेत में दबी एंटी पर्सन माइंस मिलने की सूचना मिली। बीच प्रभारी कांस्टेबल विक्रांत जाट को मौके पर भेजा गया। माइंस से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने जन सहयोग से उपाय किए हैं। कांस्टेबल विक्रांत ने बताया कि रेत के बोरों के अलावा झाड़ियां आदि लगाकर माइंस को सुरक्षित कर दिया गया है। पुलिस ने अधीक्षक और जिला कलेक्टर के माध्यम से सेना को सूचित किया गया है। सेना इस 20 साल पुरानी एंटी पर्सन माइंस को निष्क्रिय करेगी। फिलहाल दिन भर की खबरों में इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।